आप सबका बिराजपुरा ब्लॉग चैनल पर साथियों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग बना रहे हैं। एक गांव है, अस्तर गांव के एक मंदिर है, वहां चढ़कर हम नीचे का वीडियो शूट कर रहे हैं। आप लोग दिखाई दे रहा होगा कितना प्यारा गांव है, देहाती गांव है। यहां कोई सिटी बाज़ार पास में नहीं है। ये पुराने जो राजा महाराजा के बावड़ियाँ थी, उनका ये स्मारक शेष अवशेष बचे हुए हैं। ये पेड़ पौधे, जंगल, ये छतरियाँ, ये सब पुराने अवशेष है 500-700 साल पहले के। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि माचनगर था, वहाँ माचनगर में मेदाजीराव शीरा, जो आजकल जमवारामगढ़ है, मेदाजीराव शीरा मीणा गोत्र में उत्पन्न हुआ था, उसका राज था। उन्होंने ये बावड़ियाँ वगैरह, ये जो सामने स्थान है, ये सामने आपको दिख रहा होगा पहाड़ी की चोटी पर भूमि है, ये मेदाजीराव शीरा द्वारा बनाया गया है। और ये जो रखे ये बावड़ियाँ, ये देखो बावड़ियाँ, ये प्राचीन अवशेष है, इसकी गवाह है, साक्षी है। और ये सभा स्थल बताया गया था पुराने ज़माने में, ये सभा स्थल था और आज इसको मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये नजदीक है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। ये पक्षी हैं, चमगादड़ बोलते हैं, नहीं पक्षी चिड़िया हैं, चिड़ियाँ हैं, चहचारी आप लोगों को चिड़िया दिख रही होगी आसमान में। तो साथ ही देहाती गाँव में शाम के समय का इस प्रकार का नज़ारा होता है कि आप लोग, बहुत रोमांटिक नज़ारा है। यहाँ से देखो पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर किस प्रकार से गूंज रहे हैं। यह है रमेश ब्याडवाड़, जो बिराजपुरा बस्ती से आया हुआ है, जो मंदिर का परीक्षण कर रहे हैं भाई साहब। और इधर रामकांडी ब्याडवाड़ है, जो सुसु करने गया हुआ है। उधर क्या है भाई, ये देखो जो पुराने ज़माने में जो क्या नदी है, वो बाणगंगा यहाँ से बहती थी और इसके उसके ऊपर ही ये बनाया गया था सभा स्थल। और यहाँ से ही एक पूरा गांव था, पूरा गांव बसता था। ये पूरा गांव है, नगरी है। ये देखो छतरियाँ आपको दिख रही होगी, इसमें पुरानी ये छतरियाँ हैं। और सामने भूमिजी का स्थान है, तो ये भूमिजी का स्थान है, आपको दिख रहा होगा भूमिजी का स्थान। तो गांव में इस प्रकार की व्यवस्था पहले राजा महाराजा बनाते थे, जो आज उपलब्ध नहीं होती है, आज की चीज़ें बनती नहीं है महाराज। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, ताकि गाँव का दृश्य, जो देहाती गाँव है, देहाती गाँव में घूमने का महल मकान किस प्रकार से होते थे राजा महाराजा के, ये ऐसा दृश्य आप लोगों को कभी मिलेगा। ये देखो पूरे महल मकान है, ये सिस्टम लगा हुआ है। तो ये इधर से रोड आ रही है, उधर से देखो ये दिन हमारा अस्त हो गया है, दिन हमारा अस्त हो गया इधर, और अस्त होते हुए दिन, ये गांव है अस्थल, इस गांव का नाम क्या है, अस्थल। तो मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि रामगढ़ का जो राजा था पहले, इसका नाम मासनगर था रामगढ़ का, और जब रामगढ़ में जो मेदाजीराव शीरा मीणा गोत्र में उत्पन्न, मीणा समाज में शीरा गोत्र उत्पन्न मेदाजीराव था, उसने कस्बा वंश को दो बार मात दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अमृत वर्षा हुई थी, वो यहीं हुई थी नजगाठी के अंदर जमवाई क्षेत्र में। तो हम अभी महल के ऊपर चल रहे हैं। यह महल को क्या जीर्णोद्धार कर दिया गया है और बड़ा डरावना दृश्य है, चमगादड़ों का ऐसा हमला हो रहा है कि आप पूछ मत, बदू है चमगादड़ की। जय सिया राम महाराज। अरे भाई चाबी है नहीं मेरी, महाराज जी पास है। अच्छा अच्छा, ये भगवान ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण भगवान का। और ये देखते हो आप लोग, कृष्ण भगवान का मंदिर है, बड़ा अच्छा और सुंदर मंदिर है राधा कृष्ण का। इस महल में बड़ा शानदार और भव्य मंदिर है। मान्यताओं के अनुसार पहले ये सभा स्थल हुआ करता था, ये जो ब्रामदा है ये सभा स्थल हुआ करता था, लेकिन अब ये मंदिर में परिवर्तन कर दिया, जो अच्छी बात है। या मैं यहाँ से अपनी प्रजा को, नगरी को यहाँ से देखता था, वो इधर रुके हैं, यहाँ से देखता था, वो यहाँ से पूरा एरिया दिखता था उसको।
ऐसे रोनक दृश्य, ऐसे दृश्य कभी देखने को नहीं मिलेंगे आप लोगों को। और सामने देखो सभा भवन जो आजकल मंदिर में परिवर्तन हो गया है, राधा कृष्ण जी का मंदिर है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो राजा साहब वहाँ बैठते थे, यहाँ सभा लगती थी, जो मंत्रीगण आती उनकी चर्चा यहीं होती थी। और अब मंदिर बन गया, मंदिर प्रसिद्ध रही है इस समय। तो साथ ही ब्लॉग वीडियो आप लोगों को अगर काफ़ी पसंद आएगा और इसको लाइक से जरूर करना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों, क्योंकि ऐसा मंदिर आपको कभी मिलेगा देखने को। महाराज मत जाओ भाई, जय हो भगवान कृष्ण जी की, जय हो। ये भगवान राधा माधव जी, भगवान कृष्ण जी और राधिका जी का मंदिर है, जो भव्य और विशाल मंदिर है, बहुत अनोखा मंदिर है, आपको दिख रहा होगा इसमें। और राधा गोपाल जी का मंदिर है, ये अलग नामों से लेकिन मंदिर वही है। और ये देखो आप लोग, गोपीनाथ, राधा गोपीनाथ का मंदिर ही है। तो ये विशाल मंदिर है और मंदिर भी इतना अच्छा है कि आप लोग सोच नहीं सकते। ये महाराज जी है जो यहाँ सुबह शाम आरती पूजा पाठ करते हैं। ये यहाँ बजरंगबली और गणेश जी का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। तो ये सिस्टम है, राधेश्याम जी का मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है। पहाड़ की एक छोटी सी छोटा सा पहाड़ उसकी चोटी पर बनाया गया है ये। तो साथियों आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, मेरी ऐसी आशा है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे, लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। इसी साथ इस वीडियो का आज एंड करते हैं यहीं पर। धन्यवाद साथियों।